हाय दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। पिछले चैप्टर में हम लोग देखा है थोड़ा सा वोकल मिक्सिंग के बारे में। जो आदमी लोग ट्रैक में गाना गाते हैं तो ट्रैक में देने के लिए क्या क्या इफेक्ट देना पड़ता है। तो देखिए, हम लोग क्या किया था उस टाइम में, ई बटन को क्लिक करके जो हमारा वोकल ट्रैक है वो वोकल ट्रैक में एक्चुअली जो ट्रैक बज रहा है उसमें कुछ काम नहीं है। उसका वॉल्यूम अप डाउन हम कर सकते हैं मगर उसमें कोई इफेक्ट हम लोग डाल नहीं सकते क्योंकि वो मिक्स है। उसमें इफेक्ट डालने से हम लोग कॉम्प्रेशन थोड़ा दे सकते हैं उसको बूस्ट करने के लिए, मगर उतना अच्छा होगा नहीं। अगर हम लोग रिवर्ब डालेंगे तो क्या होगा, रिदिम का ऊपर भी रिवर्ब चला जाएगा। तो इसीलिए वो करने का ज़रूरत ही नहीं है। जो हम लोग टेक ले रहे हैं, मतलब ट्रैक सुन के जो गाना हम लोग गा रहा है वो गाना में हम लोग ऐसे ऐसे इफेक्ट दे सकते हैं। कॉम्प्रेशन, लिमिटर, रूम वर्क्स रिवर्ब दिए है, स्टूडियो डिले दिए है और UV 22 HR दिए है। तो इस टाइप का दिया है और उसके बाद हम लोग जो आउटपुट जो चैनल है, आउटपुट चैनल में हम लोग इस टाइप का इफेक्ट डाला है, मल्टीबैंड कॉम्प्रेशन, मैक्सिमाइजर और UV 22 HR। अभी हम लोग देखेंगे कि इसको हम ऑफ करके रखते हैं, मतलब बाईपास करते रहें। तो अभी हम लोग देखेंगे क्या, हम लोग इंसर्ट में इफेक्ट नहीं देंगे, सेंड में इफेक्ट देंगे, उसमें क्या रिजल्ट आते हैं तो हम लोगों को देखना है। तो इस इधर से हम पूरा उठा दे रहा है, इंसर्ट में कोई इफेक्ट नहीं है, इफेक्ट हम लोग हटा दिया है। तो इसका जो EQ है इसको रख दिया है क्योंकि ये भी बाईपास में है। इसको अगर हम ऑन करें तो ये बाईपास छोड़ के ऑन मोड में जाएगा, मतलब ग्रीन मतलब है ऑन है, और अगर हम लोग येलो कर देंगे तो ये बाईपास हो जाएगा, इसका इफेक्ट कुछ नहीं आएगा। तो सेंड में लेने के लिए हम बोला था आपको एक इफेक्ट चैनल लेना पड़ता है। तो देखिए, वोकल को रेडी करने के लिए हम लोग दो तीन इफेक्ट चैनल ले ले रहे हैं। एक इफेक्ट चैनल हम लोग रिवर्ब ले रहे हैं, रूम वॉक्स ओके कर दिया, इसको क्लोज कर दीजिए। उसके बाद और एक इफेक्ट चैनल हम लोगों को लेना है, डिले ले लीजिए, स्टूडियो डिले हो गया। और देखिए, ये जो इफेक्ट चैनल में हम डाला है ये मास्टर इफेक्ट का माफी काम करेगा क्योंकि रिवर्ब और डिले ऑलमोस्ट सब ट्रैक में थोड़ा थोड़ा करके लगता है, मगर उसका जो लेवलिंग हम लोगों को एडजस्ट करना पड़ता है। तो इसको लिख दीजिए, इसको रिवर्ब लिख दीजिए और इसको डिले लिख दीजिए, हो गया। उसके बाद देखिए, ये तो इंडिविजुअल कुछ काम नहीं करते, इसको हम लोग मतलब ये जो फोल्डर है फोल्डर को क्लोज कर दे रहा है। तो काम करता है ये ट्रैक में, काम करता है। तो ट्रैक में हम लोग अगर सेंड में जाएंगे तो रिवर्ब डिले मिलेगा, तो पहले हम लोगों को रिवर्ब देना होगा उसके बाद डिले देना होगा। तो देखिए, इधर जो इंसर्ट सेक्शन है इधर में हम लोग डायनामिक इफेक्ट ले सकते हैं। डायनामिक इफेक्ट का मतलब क्या है, डायनामिक्स के अंदर जितना सारा इफेक्ट होता है हम लोग काम करेंगे, गेट जो है इसका ऊपर काम करेंगे, और ये एक्सटर्नल है कुछ। तो हम लोग डायनामिक के अंदर मान लीजिए एक्सटर्नल इफेक्ट अगर हम लोग देना चाहते हैं, हम दे रहा है विंटेज कंप्रेशर ये भी दे सकते हैं, और ओनली कंप्रेशर जो ये भी दे सकते हैं, और अलग से कंप्रेशर होता है, इसका एक कंप्रेशर होता है ये भी हम लोग दे सकते हैं। तो इधर इंसर्ट में हम लोग क्या देंगे, जितना सारा डायनामिक इफेक्ट है हम दे सकते हैं, और जितना सारा स्टैटिक इफेक्ट है मतलब रिवर्ब डिले कोरस वो सब जो है उसको हम लोग चैनल से देंगे, मतलब इफेक्ट्स चैनल लेके देंगे। तो उसमें फ़ायदा क्या है, जब हम लोग इधर से जब साउंड जाएगा तो पहले कंप्रेशर होके वो पूरा कंप्रेस हो जाएगा, बहुत अच्छा क्वालिटी बनेगा, उसके बाद EQ होगा, उसके बाद रिवर्ब आएगा। क्योंकि पहले हम लोग अगर रिवर्ब डाल देंगे, मान लीजिए हम लोग इधर रिवर्ब डाल दिया है, जो साउंड जा रहा है इसका पास जो जा रहा है वो रिवर्ब लेके EQ कर रहा है, मतलब रिवर्ब को भी EQ कर दे रहा है। तो ऐसे ही बात है, जब पानी और दूध एक साथ होता है ना तो उस टाइम में तो एक मिक्स बन जाता है। तो जब हम लोग ये पूरा वोकल आ रहा है
तो एग्जैक्ट क्या हम लोग EQ कर रहे हैं उसका इफेक्ट हम लोगों को पता नहीं लगता है। तो इसीलिए रूमॉक्स जितना सारा स्टैटिक इफेक्ट है, मतलब डीले, रिवर्ब, कोरस, फ्लेंजर, जितना सारा है वो हम लोग सेंड में देंगे, और जितना सारा डायनेमिक इफेक्ट है वो हम लोग इसमें देंगे। तो इधर हम लोग लिमिटर दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इधर हम लोग UV22HF दे सकते हैं मास्टरिंग, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये हो गया। और इसके बाद देखिए रिवर्ब का अंदर ये आप बटन को आप लोगों को ऑन करना पड़ेगा, ये भी ऑन करना पड़ेगा, और कितना रिवर्ब हम देना चाहते हैं वो भी हम लोग इधर से एडजस्ट कर पाएंगे। और सुविधा क्या है इसमें, आप लोगों का जो CPU यूजर्स जो है वो भी उतना नहीं बढ़ेगा, क्योंकि न्यूवन स्टेनबर्ग बोलता है क्या, हम लोग जब कोई इफेक्ट यूज़ करें तो उसका इफेक्ट्स चैनल से हम लोग यूज़ करें, इसीलिए इफेक्ट्स चैनल दिया हुआ है। इफेक्ट्स चैनल में अगर हम लोग यूज़ करेंगे तो इसका फ़ायदा क्या है, ये रिवर्ब फिर दूसरा चैनल में भी हम लोग ले सकते हैं, उसके लिए इंसर्ट में कुछ लेना नहीं पड़ेगा, उसका जस्ट वैल्यू हम लोग चेंज कर सकते हैं। एक ही रिवर्ब चल रहा है, इसका वैल्यू -24 dB, और वोकल में जो दिया है उसका वैल्यू थोड़ा ज़्यादा है, तो ये हम लोग कर सकते हैं एक रिवर्ब लेके। तो ठीक है, अभी हम लोग सुनकर देखते हैं इसको इसका कैसा लग रहा है। तो चलिए सुनकर एक बार देख लेते हैं। ये नयन डरे डरे थोड़ा सा क्लियर हुआ है वॉइस, भरे भरे जरा पिन दो कल की किस को खबर, एक रात होके निडर मुझे जीने दो। थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं रिवर्ब को हम लोग। ये नयन डरे डरे थोड़ा सा डिले बढ़ाइए। फिर से हम लोग सुनते हैं। ये नयन डरे डरे ये जाम भरे भरे जरा पिन दो कल की किस को खब। देखिए डिले चल रहा है, तो डिले कौन सा चल रहा है, इसका डिफॉल्ट चल रहा है, मतलब ये 1/1 डिले चल रहा है। इसका हम लोग टेम्पो भी, मतलब इसका जो क्वांटाइजेशन है वो भी हम लोग सेट कर सकते हैं। तो इसमें 1:1 चल रहा है, मतलब जो डायलॉग बोलेगा गाना में वो डायलॉग रिपीट होगा। तो इसका इसका हम लोग चेंज कर सकते हैं, मतलब ये स्वीट वोकल डिले कर सकते हैं हम लोग। ये चेंज हो गया, फिर से एक बार सुनकर देखते हैं। ये नयन डरे डरे ये जाम रिपीटेशन नहीं हो रहा है, भरे थोड़ा सा रिपीटेशन हो रहा है, बिकॉज ये जो फीडबैक जो है ना, फीडबैक अगर हम लोग बड़ा बड़ा देंगे थोड़ा सा तो रिपीटेशन ज्यादा होगा। ये नयन डरे डरे ये जाम थोड़ा सा हो रहा है। डरे डरे ये जाम भरे भरे जरा थोड़ा सा वोकल का लेवलिंग कम करना पड़ेगा। कल की किस को खबर एक रात होके निडर मुझे जीने दो। देखिए कंप्रेसर भी काज कर रहा है, काम कर रहा है। एकोस्टिक गिटार, इधर बहुत सारा सैंपल्स भी है, मतलब सैंपल्स नहीं है, टेम्पलेट भी है, हम लोग कोई भी दे सकते हैं इधर से फुल ऑर्केस्ट्रा। देखिए जो गाना सुनाई दे रहा है पूरा क्लैरिटी में सुनाई दे रहा है, मतलब इसका जो क्वालिटी जो है, हम क्या किया है, इसका एक्सटर्नल एक कंप्रेसर दिया है जो निवेंडो का साथ आते नहीं, वो दिया है
लिमिटर दिया नियॉन का ही दिया है और उसका यूवी 22 HR मतलब वो ये डिदरिंग का काम करता है वो दिया है और उसका साथ साथ रिवर्ब और डिले दिया है और कुछ नहीं दिया है। रिवर्ब और डिलर को हम सेंड में दिया है। अगला चैप्टर में हम लोग जो किए थे वो रिवर्ब थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा था गाना का, एक्चुअली गाना का रिवर्ब उतना क्वालिटी में नहीं आ रहा था मगर इसमें क्वालिटी ज़्यादा हो रहा है। आप लोग अगला चैप्टर देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। गाना क्वालिटी आने के लिए आप लोगों को जो स्टैटिक इफेक्ट्स होता है वो आप लोगों को सेंड में देना पड़ेगा। इसका एक छोटा सा सेटिंग्स जो होता है वो भी हम लोग बोल देंगे। इसको बोलता है प्रीफेडर पोस्ट फेडर। प्रीफेडर पोस्ट फेडर किस लिए काम में लगता है और किधर से हम लोग देखेंगे प्रीफेडर पोस्ट फेडर ये भी हम लोग देख लेंगे एक बार, उसका नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग देखेंगे। तो ये आप लोगों को सेटिंग्स जो सेटिंग्स के बारे में जो हम लोग दो चैप्टर में कंप्लीट किया है आप थोड़ा एक बार इसको प्रैक्टिस करके देखिए। एक्सटर्नल अगर इफेक्ट नहीं मिलेगा तो आप लोग निवंडो का जो इफेक्ट है वही डाल सकता है, कोई प्रॉब्लम कुछ नहीं है। मगर जो स्टैटिक इफेक्ट जो है उसको जो हम बोला है एक इफेक्ट चैनल लेके करने के लिए तो इफेक्ट चैनल लेके ही आप लोगों को करना पड़ेगा। तो आज के लिए यही चैप्टर है, हमको लगता है आप लोगों को काम में लगेगा। थोड़ा सा कमेंट कीजिए किसना कैसा लग रहा है और आपका मिक्सिंग कैसा हो रहा है ये भी हमको जानने का ज़रूरी है। और कोई भी अगर रिक्वायरमेंट होगा मतलब ये नहीं हो रहा है, मतलब मान लीजिए कोई काम कर रहा है कोई एरर आ रहा है कोई अच्छा साउंड क्वालिटी नहीं बन रहा है तो हमको SMS करिए। व्हाट्सएप नंबर जो है हमारा 9007766667 उसमें व्हाट्सएप करिए, हम व्हाट्सएप में आंसर दे देंगे। आज के लिए इतना ही है, कल और एक चैप्टर देंगे। तो आप लोग खुश रहिए, हमारा चैनल को फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब करिए। गुड नाइट टू एवरीबॉडी।